मैं डॉक्टर प्रतिभा माखीजा, आज हम मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी पे बात करेंगे। इनफर्टिलिटी महिलाओं की दिक्कत है, यह एक मिथ है और आइए अब इस पर हम कुछ प्रकाश डालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई कपल एक साल तक भी प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं विदाउट कोई गर्भनिरोधक उपयोग करने के बाद भी, तो उनको हम इनफर्टिलिटी की परिभाषा में इंक्लूड करते हैं। तो इसके कारण दोनों हो सकते हैं, 1/3 कारणों में महिलाएं इन्वॉल्व रहती हैं, 1/3 में पुरुष और 1/3 में दोनों ही फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो लगभग ऐसा देखा जाता है कि 15-20% कपल जो शादी के एक साल के बाद भी वो कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। हम जैसा कि जानते हैं यूजली महिलाओं को ही जाना जाता है कि वो प्रेगनेंसी कर रही है, तो अगर इलाज के लिए भी आना रहता है तो महिलाएं ही आगे आती हैं क्लिनिक में, पर ऐसा नहीं है। पुरुष का भी क्योंकि 1/3 योगदान है तो पुरुषों का भी हमें बहुत सारी जांचें करानी पड़ती है। पुरुषों में सबसे पहले जो जांच होती है वो है सीमेन एनालिसिस। 2-3 दिन का फिजिकल एब्सटेनेंस के बाद उस हम टेस्ट को IVF लैब में करते हैं और उसमें सीमेन के बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स को हम स्टडी करते हैं। नॉर्मल शुक्राणु का सीमेन एनालिसिस रहता है वो 60-120 मिलियन होना चाहिए। अब WHO 2010 के हिसाब से जो मिनिमम प्रेगनेंसी का जो क्राइटेरिया है वो 15 मिलियन/मिलियन स्पर्म कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो अगर किसी पुरुष के 15% काउंट है, 32% प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी है, 4% नॉर्मल स्पर्म्स है, तो वो फर्टाइल की कैटेगरी में आते हैं।